और चलिए रुक करते हैं अगली अहम खबर का। राजस्थान पुलिस की साइबर सुरक्षा की पोल खुली है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की मेल आईडी को हैक किया गया। मेल आईडी हैकर ने जमकर इसका दुरुपयोग किया। लंबे समय तक क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को इसकी भनक तक ही नहीं लगी। यूपी गाजियाबाद के निवासी सौरभ साहू ने इस घटना को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया है मेल आईडी हैक करने वाला बदमाश। तो ये एक बड़ा फेलियर जरूर है और बड़ी बात है कि लंबे वक्त तक पता ही नहीं चला कि आईडी यहां पर हैक की जा चुकी है। राजस्थान पुलिस की साइबर सुरक्षा की पोल खुली है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की मेल आईडी को हैक किया गया। मेल आईडी हैकर ने जमकर इसका दुरुपयोग भी किया। और संवाददाता शिवेंद्र सिंह परवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये बड़ा फेलियर है साइबर सुरक्षा की, हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस, लेकिन उनकी खुद की साइबर सुरक्षा की पोल खुली है कि कितनी ज्यादा इनसिक्योर है। बड़ी बात है, आईडी हैक भी होती है और लंबे वक्त तक पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, बहुत बड़ा फेल्योर है, इतना बड़ा फेल्योर है कि अब अगले कुछ दिनों तक तो कम से कम राजस्थान पुलिस को साइबर सुरक्षा पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस जो दावा करती है कि पूरे प्रदेश में हम जो साइबर अपराधी है उनको पकड़ेंगे और लोगों को इससे बचाएंगे ठगी से, लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि क्राइम ब्रांच जो कि राजस्थान पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है श्वेता, उसकी ऑफिशियल मेल आईडी एक 10वीं फेल ये अपराधी है जिसका हम नाम चला रहे हैं गाजियाबाद का साहू, इसने हैक कर ली और महीनों तक वो इस आईडी का मिसयूज करता रहा, क्योंकि वो राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच की ऑफिशियल आईडी थी। तो मान लीजिए कि उस आईडी से उसने मेल किया मुंबई पुलिस को और उसने डिटेल मांगी कि भाई इन लोगों की डिटेल दीजिए, तो क्योंकि वो ऑफिशियल आईडी है तो वो सूचना मुंबई पुलिस ने उसको दे दी। इस तरीके से वो महीने डेढ़ महीने तक खूब दुरुपयोग इस मेल आईडी का करता रहा, तमाम तरह की संवेदनशील सूचनाएं लेता रहा, लोगों को ठगता रहा, कई लोगों को ठगी का शिकार भी बनाया, और अंत में जब ये व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली वो भी तब लगी जब एक व्यक्ति एफआईआर कराने दर्ज पहुंचा कि उसके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं आपकी मेल आईडी की वजह से, तब जाके खुलासा हुआ कि हमारी तो मेल आईडी हैक कर ली, और उसके बाद ये जो अपराधी है इस पर इनाम घोषित किया गया और इसको दिल्ली पुलिस के सहयोग से पकड़ा है। ये ठीक है कि इसको पकड़ लिया गया श्वेता, लेकिन जो हमने इस लैंड की पहली खबर में लिखा है कि जब राजस्थान पुलिस की खुद की मेल आईडी सुरक्षित नहीं है, पहला, दूसरा, हैक होने के कई दिनों तक उनको पता ही नहीं चला कि हमारी मेल आईडी का मिसयूज हो रहा है, तो फिर किस तरीके से उम्मीद करें कि राजस्थान में जो साइबर क्राइम की घटनाएं है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जब खुद ही सुरक्षित नहीं है राजस्थान पुलिस तो लोगों की सुरक्षा किस तरीके से होगी, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। और ये जो आरोपी है जो इसका मिसयूज कर रहा था सौरभ साहू, क्या ये वाकई में अकेला था? आपने बताया 10वीं फेल है, लेकिन ये हैक करके इसका डेढ़ महीने से दुरुपयोग करता रहा, या इसके साथी भी है, या फिर अब पुलिस इसमें और छानबीन करेगी? देखिए, मास्टरमाइंड तो यही है, अभी जांच चल रही है और ऐसा पता चला है कि 4-5 लोगों की और तलाश है, लेकिन मास्टरमाइंड यही है, ये जाना माना साइबर अपराधी है श्वेता, और इसी ने पूरा जो मेल आईडी हैक करने का काम था वो किया था। सिंगापुर से जैसे सूचना मिली है कि वहां से जो हैकर्स की गतिविधि है वो ऑपरेट की गई, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन वापस जो बात है वो घूम फिर के वही आती है कि आखिर राजस्थान पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उनके अधिकारियों को पहली बात तो पता क्यों नहीं चला कि हमारी मेल आईडी हैक हो गई, पहला, और दूसरा, क्या इतने जो संवेदनशील ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस के हों, प्रशासन के हों, क्योंकि इस तरीके की घटना अगर मान लीजिए श्वेता, अभी तक इस तरीके की खबर हमने सुनी नहीं, लेकिन अगर कभी आर्मी में हो जाए, कभी बीएसएफ में हो जाए, तो कितनी संवेदनशील सूचना बाहर जा सकती है। तो राजस्थान पुलिस भी कम संवेदनशील नहीं है, इतने गंभीर अपराधों की जांच करती है क्राइम ब्रांच, तो ये सवाल खड़ा हुआ है बड़ा, और उम्मीद है कि जो लीकेज हुआ है राजस्थान पुलिस का, इसके बारे में कोई ऐसी प्लानिंग बनेगी जिससे कम से कम दोबारा राजस्थान पुलिस के साथ ऐसा नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए।